कैबिनेट की बैठक में आर्थिक अपराध को रोकने संबंधी दो अहम फैसले लिए गए। सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2019 को लाने की बात कही है, जिसके जरिए आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन को भी मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए बड़ी कंपनियों में होने वाले धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सकेगी। पहला फैसला बजट सत्र के दूसरे चरण में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2019 लाने का है। 2017-18 के बजट में इस बिल के बारे में घोषणा की गई थी। यह विधेयक खासकर उन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है जो संगीन आर्थिक अपराध को अंजाम देने के बाद कानून के शिकंजे से बचने के लिए विदेश भाग जाते हैं। विधेयक के जरिए ऐसे तमाम अपराधियों को कानून के कटघरे में लाने का रास्ता अब साफ हो जाएगा। यह कानून 100 करोड़ से ज्यादा के गबन के मामले में लागू होगा। जांच एजेंसियों को आर्थिक अपराधियों की तमाम संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार होगा। साथ ही उनके द्वारा जुटाई गई बेनामी संपत्ति भी कानून के शिकंजे में आ जाएगी। यहां तक कि विदेशों में मौजूद संपत्ति भी कानून की हद में होगी। हालांकि इसके लिए मुख्तलिफ देशों से सरकार को करार करने होंगे। सरकार को उम्मीद है कि यह विधेयक बजट सत्र के आने वाले सत्र में जरूर पास हो जाएगा। सरकार के इन सख्त कदमों से न केवल विदेश भागे अपराधियों को वापस देश लाकर कानून के शिकंजे में डालने में मदद मिलेगी, बल्कि बैंकों को भी लोन के बदले रिकवरी का ज्यादा अधिकार मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि कैबिनेट के इन फैसलों से जहां बैंक डिफॉल्टर्स और ऑडिटर्स पर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब हो पाएगी, वहीं देश के विकास में बैंकों के योगदान और आम आदमी द्वारा भरे गए टैक्स के पैसों की बर्बादी नहीं हो पाएगी।